हेलो एवरीवन आई एम योर टीचर फॉर दिस क्वेश्चन लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू नाउ एक्सप्लेन क्रोस्पोंडिंग एंगल्स यहाँ पे देखिए आपको एक्सप्लेन करना है क्रोस्पोंडिंग एंगल्स तो यहाँ पे हम जानते हैं एनी एंगल एनी पेयर ऑफ एंगल्स ईच ऑफ विच is on same side of one of two lines cut by transversal and on the same side of the transversal. देखिए यहां पे डेफिनेशन में आपको कहा गया है कोई भी आपका एनी पेयर ऑफ एंगल्स ईच ऑफ विच इज ऑन दी सेम साइड जो आपका सेम साइड पे होगा ऑफ वन ऑफ दी टू लाइन टू लाइन जो कि आपकी कट हो रही होगी ट्रांसवर्सल से ट्रांसवर्सल लाइन से एंड ऑन दी सेम साइड ऑफ दी ट्रांसवर्सल तो यहां पे एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल यहां पे देखिए यह आपका ए बी एक लाइन है एंड सी डी ये आपकी एक लाइन है तो यहां पे एक ये जो ई e, एफ है ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है एंड यहाँ पे देखिए आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की बात हम कर रहे हैं तो ये एंगल इसके क्रॉसपॉन्डिंग होगा तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे सो तो एंगल ई यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले, ले लेते हैं पी एंड यहाँ पे ले, ले लेते हैं एस तो ये आपका हो जाएगा एंगल ई पी डी इज इक्वल टू एंगल ई एस बी ये आपके क्या है आपके यहां पे क्रोसपॉन्डिंग एंगल ये आपके क्रोसपॉन्डिंग एंगल इसलिए इक्वल होंगे तो ये ये आपके क्या होते हैं क्रोसपॉन्डिंग एंगल होते हैं यहां पे आपका आंसर आ जाएगा एंगल ई पी डी इज इक्वल टू एंगल ई एस बी ये आपके क्या होगा यहां पे Cross bonding angles. I hope you understood the explanation. Thank you.